ये देखिए, ये है राजगीर का नौलखा मंदिर। प्राचीन समय में 9 लाख रुपये इसकी लागत आई थी बनाने में। ये पूरी तरह से जैन धर्म को समर्पित मंदिर है और इतिहास में राजगीर का गौरव मान सम्मान बढ़ा रही है। और इस मंदिर के प्रांगण में बाहरी लोग घूमने आते हैं, जैसे कि आप सैलानी को देख रहे हैं। ये टांगा है, ये राजगीर किसान सवारी टांगा। आजकल टोटो का दौर चल गया है, लेकिन टोटो के दौर में भी टांगा का एक अलग महत्व है और टांगा से लोग सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब बाहरी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए पर्यटक स्थल राजगीर में और एंजॉय कर रहे हैं। बात हुई थी, वही एक भी रुपया में बीच में नहीं देना, आगे भी नहीं, वो मर्जी से मर्जी, वो कुछ नहीं, नहीं नहीं हमारी मर्जी नहीं, नहीं 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 बाद में तुम ही बोले। ये मंदिर का मेन गेट है, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये व्यू कितना मोहक, कितना प्यारा व्यू है। और इसमें गार्डन है और ये बगल में जो ये है, बगल में जो धर्मशाला है, ये धर्मशाला है, लोग यहाँ ठहरते हैं और पूरा राजगीर यहीं से घूमते हैं। और फुहारा वगैरह लगा हुआ है रात में, मतलब लाइटिंग वगैरह का प्रबंध है, रात में लाइटिंग वगैरह लगा रहता है। और पीछे साइड में भी जो वाइट कलर का दो गुंबज टाइप का देख रहे हैं, वो भी पीछे बैक साइड में है। और अंदर से भी बहुत अच्छा दिखता है लुक इसका। थैंक यू फॉर व्यू। देखिए जैन स्वतांबर कोठी करके है तीर्थ राजगीर, यहाँ पे लोग ठहरते हैं, पर्यटक आते हैं तो अभी भी। और ये सब जड़ी बूटियों की दुकान, राजगीर प्राचीन समय से ही जड़ी बूटी का खान रहा है। पहाड़ों से जो जड़ी बूटियाँ निकलती है वो सब यहाँ बिक्री होती है और सब जड़ी बूटियाँ यहाँ बिकती है, असाध्य रोगों का इलाज होता है। और सस्ती जड़ी बूटियाँ अच्छे रेट में मिल जाती है यहाँ पे आपको। सारी जड़ी बूटियों की दुकानें देखिए, कम से कम पैसे में आपको अच्छी और शुद्ध ताज़ी जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलेगी आपको। ये व्यू है राजगीर का, देखिए कितने सारे कबूतर यहाँ पे रहते हैं। ये बहुत प्राचीन समय से कबूतर रहते हैं, इनकी कितनी पीढ़ी, कितनी पुश्तें यहाँ गुजर गई, लेकिन ये लोग इस मंदिर को छोड़ के कहीं नहीं जाते, ही रहते हैं। तो ये था व्यू। ये फूलों की बगिया, इसमें लिखा है कृपया फूल ना तोड़े, गुलाब के फूल सुंदर सुंदर खिले हुए हैं। और ये यहाँ से एक गुप्त रास्ता है, यहाँ से अंदर की ओर जाता है रास्ता। यहाँ पे अंदर में शीश महल, मतलब शीशे का अंदर में मंदिर बना हुआ टेंपल, इसमें के अंदर में। अंदर में फ़ोटो खींचना बंद है ना? हाँ, बंद है ना, ठीक। जैन लोग का ये नया मंदिर बना है, पहले मंदिर नहीं था, ये नया मंदिर बना है। तो ये भी सारा जैन लोगों का समर्पित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदू लोग नहीं आ सकते हैं, आते हैं पूजा अपना, जो भी ध्यान करना है आपको, आपको मतलब कि यहाँ मेडिटेशन करना है, एकांत जगह है और बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है ये राजगीर। यहाँ शांति है, महात्मा बुद्ध भगवान आकर तपस्या किए थे, शांति मिला था उनको। तो ये राजगीर वाकई में बहुत खूबसूरत है और अद्भुत है, अलौकिक है। इतनी सुंदर नक्काशी की हुई है इसमें, इतने सुंदर डिजाइन है, पुराने ज़माने के जो डिजाइन होते हैं, इस रास्ते के दरवाजे, गुप्त दरवाजे हैं, ये सब बने हुए हैं। मंदिर के अंदर तहखाने हैं, अंदर जाने का रास्ता है। और ये देखिए गुरुदेव जी का मंदिर है। तो ये प्राचीन समय से ही इस तरह से बना हुआ है, डिजाइन किया हुआ, डेवलप किया हुआ। आप किसकी देखिए शानदार नक्काशी को देख सकते हैं, किस प्रकार से नक्काशी की हुई है, प्राचीन ज़माने की नक्काशी, पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है ये, है ना, लाल पत्थर से बना हुआ, लाल बलुआ पत्थर से। और छोटे छोटे देखिए उस पर मंदिर का जो आकार बना हुआ, आर्किटेक्चर बना हुआ, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं इस टाइप से, वो ऊपर बना हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।